गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर क्या है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स हैं तो, और इसका रिजल्ट क्या होता है या ये किस बेस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो आज का फिगर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा कैलोरीमीटर जो प्रिंसिपल है और उसी के कंपोनेंट्स हैं उस पर आधारित है या फिर उसी के बेस पे बनाया गया है। तो चलो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जो चैनल पे नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो चलो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलोरीमीटर पे कि कैलोरीमीटर है क्या। ठीक, देखो स्टूडेंट बात आती है जब कैलोरीमीटर क्या है तो ये कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा सिद्धांतिक उपकरण है जो हमारे रंगीन अणुओं के और प्रकाश, रंगीन अणु और प्रकाश के बीच परस्पर एक्टिविटी को दिखाता है। ये हमको ये मिलना चाहिए कि सपोज मेरा इधर से लाइट चला और ये कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिंपल सा एब्जॉर्प्शन सेल रखा गया है इसके बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी चीजें उनके बारे में हमको देखना है। तो चलो पहले सिद्धांत को देख लेते हैं कि सिद्धांत किस बेस पे काम करता है, फिर बाद में फिगर को देखेंगे और फिगर के बाद जो मेरा मोनोक्रोमिक ऑप्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में देख ले। तो बोलता है इसके हम डिफिनेशन में भी हम बात करें कि कैलोरीमीटर है क्या, तो इसमें ये लिखेंगे जैसे मेरा क्लास भी था और तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट था उसमें भी ये आया था। तो चलो चलते हैं, हम चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है, कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कुछ विशेष अणुओं के रंगीन, जो कि कुछ विशेष अणुओं की रंगीन विलायन या रंगीन विलयनों तथा उनके अणुओं के बीच क्रिया तथा प्रकाश के बीच के परस्पर संबंध को दिखाता है। एक कोई मान लो सपोज मेरा एक सिंपल सा एक बीकर है, ठीक, एक आप सिंपल सा बीकर ले लो, सपोज ऐसा कोई बीकर है, ये बीकर है, बीकर में मैंने कोई रंगीन मटेरियल डाला और इधर से लाइट का मैं लाइट इधर से डाल रहा हूँ, एक लाइट सपोज जा रहा है, लाइट गया, अब लाइट कैसा है, मोनोक्रोमिक है कि डाइक्रोमिक है कि कई ट्राई है कि आपका सेवेंथ है, कोई भी कलर है मोनोक्रोमिक डाल रहा है। सपोज यहाँ पे व्हाइट लाइट डाला गया, अब जिस तरह के अणु है, जिस तरह के अणु है इसमें, जिस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने जैसे अणु को या अपने जैसे लाइट को, अपने जैसे अणु अपने जैसे लाइट को या उसी कलर के क्रोमिक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइटेड हैं उन सबको इधर से रिफ्लेक्ट कर देगा। सपोज मेरे पास ऐसे ऐसे तीन कलर दिखाई दे रहे हैं, मान लो कि मैंने ऐसा तीन कलर इधर से पेनिट्रेट किया किसी सॉल्यूशन के जो हमारा टेस्ट ट्यूब है इधर से डाला, उसके बाद इसमें जो था वो ऐसा कोई कलर था, इसमें ऐसा कोई कलर था, ये तो चला गया अंदर, लेकिन इधर से बाद इधर क्या निकला, इधर ये दो कलर दिखाई दिए। आप ऐसा देखना चाहेंगे तो इधर से ये दो कलर दिखाई दिया, मतलब हमको ये लगा कि ये जो दो कलर मिल रहे हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं। तो कैलोरीमीटर जो सिद्धांत है इसी पे बेस काम करता है और इसके अंदर मेरा एक कलर ये इधर अंदर एब्जॉर्ब हो गया, मतलब हमको ये पता चला कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था, ये जो एब्जॉर्प्शन सेल था, इसी अवशोषण सेल था, इसके अंदर ये जो कलर है यही कलर एब्जॉर्ब हुई। ठीक, इसके मीटर की बात करेंगे कि मेरा इधर गैलेनोमीटर लगा है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके बेस से नाप लेंगे हम। तो पहला हमने ये पढ़ा कि किसी भी एब्जॉर्ब सेल के जो है एब्जॉर्ब सेल उसके बीच और प्रकाश के बीच क्या एक्टिविटी है उनके बारे में पढ़ना है हमको, और वो उनके बीच जो एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करने के बाद जो रंगीन सॉल्यूशन बना रहे हैं वो प्रकाश से किस बेस पे काम कर रहा है इसके बारे में बताना है। तो और आगे बढ़ेंगे कि और इससे क्या क्या होता है। तो स्टार नंबर फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंट आप करके लिखना कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रकाश अवशोषण की मात्रा, मतलब ये जो लाइट आ रही है, जो लाइट इधर से लाइट पूरी आ रही है, ये लाइट का जो अवशोषण करने का एब्जॉर्ब करने का जो क्वांटिटी होगी वो कैसे होगी, क्वांटिटी रंगीन विलयन या विलयन की रंग की तीव्रता पर आधारित होगी।
ये रंग कैसा है। मान लो कि जैसे मेरा रेड है तो रेड भी कई कलर के होते हैं। हमारा येलो है तो येलो भी डार्क येलो, लाइट येलो, येलो येलो से थोड़ा सा एकदम सफेद के साथ, जैसे कुछ क्वांटिटी सबकी मोलर पॉइंट होगा कि कितने कितने मोलर हैं। तो जिसका तीव्रता जितना अधिक होगा ये लाइट उतना एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी। ठीक, जितना जिसकी मोलरिटी ज्यादा होगी वो लाइट को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी। यदि मोलरिटी कम है तो लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा। इसके बारे में अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है ये बिलियन की सांद्रता पे भी निर्भर करता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन में हमारी सांद्रता की बात कर रहा है। सपोज मेरे पास 10, ये जो हमारा सोल्यूशन मिल रहा है ये कितना है, 10 mm का है, इसकी मोलरिटी कितनी है, कंसंट्रेशन 10 है। अब 10 है तो जो लाइट इधर से जो लाइट जा रही है ये लाइट क्या करेगी, इसके 10 के हिसाब से अब्जॉर्ब करेगी और बाकी जो 90 है वो बाहर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक, और लेकिन क्या है, इधर से मेरा 50 जा रहा है, 50 जा रहा है, तो 50 अब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद 50 बाहर गया, तो जिसके जिस सोल्यूशन की जितनी कंसंट्रेशन होगी वो उतना ही लाइट को रिफ्लेक्शन कम करेगा। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। जो कैलोरीमीटर सिद्धांत है, जो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है, वो हमारे बियर के नाम से बियर लिम्बर्ट या बी लिम्बर्ट रूल, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में आता है, खासकर केमिस्ट्री में आता है और जूलॉजी में भी यूज कर लिया गया है। तो हम लास्ट में दिखाएंगे कि आपका जो था बी लिम्बर्ट लॉ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि जो आपका कैलोरीमीटर है ये बी लिम्बर्ट के सिद्धांत पर आधारित है या फिर उनके बेस पे काम करता है। ठीक, आगे चलेंगे चौथे पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश के एब्जॉर्ब करने की क्षमता, अणुओं के परस्पर क्रिया करने के बाद रंगीन बिलयनों, रंगीन सॉल्यूशन जो क्रोमिक सॉल्यूशन बना है उसके भी सांद्रता पर निर्भर करेगा। सपोज मेरे पास एक कुछ टेस्ट ट्यूब है, दोनों पहले कैसे थे, एक का कलर येलो था, मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो एक का कलर येलो था, एक कलरलेस था। ठीक, जब बाद में रिएक्शन कराया तो दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन से मिले, मिलने के बाद मान लो कोई रेड बनाया या फिर कोई एक्स्ट्रा कलर बना लिए, वो जो कलर बनेगा वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होगी, जो पावर होगा, उसी पे डिपेंडेंट होगा और उसी के बारे में वो बताएगा। ठीक, अगला पांचवें पॉइंट में क्या कहता है, पांचवें पॉइंट कहता है कि प्रकाश की अवशोषण माध्यम में प्रकाश पथ की गहराई पे निर्भर करेगा। मतलब ये हमारा जो पूरा का पूरा बीकर है ये कितना मोटा है या कितना पतला है, जैसे मैंने इसकी बात कर लिया था, ये जो है इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा कोई जग है उसमें हम करें तो जग का जो गहराई होगा, जो मोटाई होगा वो ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। ठीक, मतलब ये इतना बड़ा है, सपोज मैं इतना बड़ा ले लूं, इसको इतना बड़ा कर दूं, तो ये क्या करेगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो लाइट इधर से जो आएगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि क्षमता बढ़ गया, स्पेशल मोटाई बढ़ी उसकी। तो ये थे लगभग सिंपल से 5-6 रूल। ठीक, 5 रूल और कैलोरीमीटर आपने देखा। और चलते हैं इस फिगर के पास। फिगर में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है टंगस्टन लैम्प। ठीक, ये लो लैम्प वाली लाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लो लैम्प मतलब लो एनर्जी या लो वोल्टेज के साथ कोई हमारा टंगस्टन का लाइट जल रहा हो। देखो टंगस्टन का जो लाइट होता है वो मोनोक्रोमिक नहीं है। ठीक, मोनोक्रोमिक नहीं है, इसमें दो बदलाव किए जाएंगे, मोनोक्रोमिक और डाइक्रोमिक या ट्राइक्रोमिक के लिए। कि ट्राइक्रोमिक आ रहा है तो कैसा फिगर होना चाहिए या फिर मोनो आ रहा है तो कैसा फिगर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो लिया है वो मैंने मोनो को नहीं लिया है, ट्राई को लिया है, डाई को। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यहाँ पे टंगस्टन लैम्प होना चाहिए। ये क्या है, लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ लाइट का सिंपल सा एक हमको एक मटेरियल चाहिए होता है कि मैं यदि कैलोरीमीटर लगा रहा हूँ तो कैलोरीमीटर का पूरा फिगर बना रहा हूँ, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाना है, तो इसमें हमको लाइट चाहिए पहला। तो लाइट के लिए मैं टंगस्टन का लैम्प आप 100 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे या फिर लो वोल्ट पे। लो वोल्ट यूज कर लिया, उसके बाद ये स्लिट बता रहा है, एक सिंपल सा लगाया, उसके बाद ये कंडेंसर लेंस या लेंस लगाया। ये लेंस का उपयोग क्या कर रहा है हम बता रहे हैं आगे, ये एब्जॉर्प्शन सेल या कोवेंट लगाया। ठीक, उसके बाद फिल्टर, उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर था इसके बारे में सारे को देखते हैं क्या करता है। सपोज सबसे पहले हम क्या करें, यहां से इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। ठीक, यहां से इलेक्ट्रिक करंट दिया गया,
ये लाइट जो था वो मतलब ये जो बल्ब था या लैम्प था वो लाइट के सोर्सेस को बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लाइट के सोर्सेस को बनाना स्टार्ट कर दिया वैसे ही मेरे पास सपोज कि तीन चार कलर, एक मिनट, ठीक, मेरे पास यहां से जो लाइट था वो कुछ ऐसे लगे कि ये मोनोक्रोमिक के लिए है। यहां से ऐसे चलते गए, आगे गए, आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको, ठीक, ये आगे चलते चले गए। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही आगे गए यहां तक पूरे लाइट गए, ये जो पूरे के पूरे लाइट थे यहां तक गए, ठीक, ऐसे ऐसे पूरे लाइट यहां से जा रहे हैं, ये लेंस तक गए। लेंस ने क्या किया, सारे लाइट को, जितने भी लाइट थे सभी लाइट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठीक, अपनी ओर झुका लिया। झुकाने के बाद सारे लाइट को इस जो एब्जॉर्प्शन सेल था, कवेट था, इस पे इन्होंने फोकस कर दिया, ठीक। ये जैसे क्या किए, इन्होंने सारे लाइट को फोकस कर दिया, इस वाले पार्ट्स पे फोकस किया इन्होंने, ठीक, ऐसे इन्होंने क्या किया, इस पे सारे को फोकस कर दिया। जब सारे लाइट को वहां पे फोकस करने के बाद ये जो एब्जॉर्प्शन सेल था इसके थिकनेस पे निर्भर करेगा कि इसका थिकनेस कैसा था। थिकनेस ज्यादा रहेगा तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, यदि थिकनेस कम है तो लाइट कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक। तो कम एब्जॉर्ब होगा तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे इनमें ये आपका जो एलो था वो एब्जॉर्ब हो गया, और लेकिन इसी के साथ क्या आ रहा था, इसी के साथ और कुछ एक्स्ट्रा कलर थे, ठीक, इसी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा कलर थे, इनकी भी बात कर लिया जाए। ऐसे कई कलर के लाइट इसमें आ रहे थे, ठीक, और यहां भी ये कई कलर के लाइट ऐसे ऐसे इसमें गए थे, ठीक। उसके बाद कुछ लाइट तो इनमें एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया गया था, लेकिन जो बाकी शेष लाइट थे वो क्या हुए, वो फिल्टर, यहां तक फिल्टर पे आने लगे, ठीक। ये कुछ यहां से आप देख रहे हैं कि ये कुछ लाइट क्या हुए, सॉल्यूशन से निकलकर या फिर जो मैं मैनेज मटेरियल रखा था उनसे निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगे। तो आगे की ओर फिल्टर ने इसको क्या किया, फिल्टर ने फिल्ट्रेट करके उसको आगे की ओर डाला कि लाइट की जो तीव्रता है वो एक समान जाए। ये समान तीव्रता किस पे गई, ये हमारे जो यहाँ पे प्लेट लगा था, किसका, हमारे मीटर्स का जो प्लेट था, ये क्या करेगा, इसके स्पेशली जो हमारे वेवलेंथ है, ठीक, स्पेशली जो हमारे वेवलेंथ थे, सारे वेवलेंथ को इन्होंने क्या किया, काउंट किया, ठीक, जो हमारा प्लेट लगा है सारे इस पे गिर रहे होंगे, ठीक, ऐसे आ गए लोग यहां पे। जब आए तो इन्होंने क्या किया, इसको रिसीव किया, इनके जो कंपन क्षमता थी सारे को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इस जो गैलोमीटर था, ठीक, जो हमारा मीटर था, इस मीटर में इन्होंने क्या किया, उसको लगाया। लगाने के बाद मीटर में हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये जो हमारा इंडिकेटर लग रहा है, इंडिकेटर को हमने जैसे यहाँ लाइट यहाँ पे आना स्टार्ट किया तो इंडिकेटर थोड़ा उठना स्टार्ट कर दिया। सपोज जो इंडिकेटर इस समय है वो 3.3 पे दिखा रहा है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 0, ऐसे कुछ इंडिकेटर है। ये दिखाता है कि यदि इंडिकेटर यहाँ से भी 1 से नीचे या 0 पे है तो जो लाइट है वो जो हमारा मेन लाइट था, वो जो हमारा यहाँ पे एलो था, एलो ने इस पूरे सॉल्यूशन को या पूरे सॉल्यूशन ने एलो को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी शेष लाइट दे दिया, ठीक। लेकिन और जो है, और यदि कलर आ रहा है, एलो यदि बाहर आ रहा है, हल्का हल्का बाहर आ रहा है, तो ये दिखाएगा कि यदि एक के बीच ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, एक और दो के बीच दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एक दो के बीच जो लाइट आएगी वो हल्का लाइटली आएगी, मतलब आंशिक तरीके से लाइट का आना होगा, मतलब सॉल्यूशन ने पूरी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया। और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे जो यदि थ्री बोलता है 2 से 3 के बीच, तो हमारा जो लाइट है वो पूरी तरीके से बिछोपी के नहीं हुआ, ये देखेंगे कि लाइट जो हमारा था एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, ठीक। इसकी जो कलर थी वो कुछ और कलर था, मैंने जो कलर दिया था वो कलर इस कलर से मैच ही नहीं हुआ, सारे के सारे जो कलर थे वो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक।
ये दिखाएगा, तो पॉइंट जीरो हमने देखा कि जब जीरो होगा तो ये कहेंगे कि जो सोल्यूशन में हमने कलर डाला था वो कलर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया। यदि एक और जीरो के बीच दिखाता है तो हम ये कहेंगे कि जो लाइट था ये आंशिक रूप से एब्जॉर्ब किया गया और लाइट बाहर की ओर निकल रही थी। यदि लाइट दो से या टू से और आगे जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट जो सोल्यूशन था, ये जो हमारा कन्वेक्स सेल था या फिर एब्जॉर्प्शन सेल था, ये लाइट को सही तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, बाकी सारे लाइट बाहर निकल गए। तो ये रहा डाइकोमिक की बात, ट्राइकोमिक मैंने लिया था यहाँ पे। अब ये मोनोक्रोमिक भी है, मोनोक्रोमिक में हम एक ही काम करते हैं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन सेल है हम यहाँ पे रख देंगे और फिल्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन सेल को यहाँ पे, ठीक, एब्जॉर्प्शन सेल मेरा यहाँ आ जाएगा और फिल्टर यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये फिल्टर उठ के यहाँ आ जाएगा। तो फिल्टर क्या करेगा, पहले जो भी लाइट आएंगी तो सारे लाइट को ये फिल्ट्रेट करेगा, फिल्ट्रेट करने के बाद उनके तरंग दर को बताएगा। जैसे सपोज मेरे पास क्या है, एक इतना बड़ा प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म में कई कलर के लाइट ऐसे पड़ रहे हैं, ठीक, कई कलर के लाइट ऐसे आ रहे हैं, ठीक, ऐसे कई कलर आ रहे हैं। ये कलर क्या करता है, कुछ कलर को इधर बाहर की ओर निकाल दिया, ठीक, सारे कलर को क्या करता है, अपनी क्षमता के अनुसार बाहर निकाल रहा है। लेकिन ये कलर आप देखे नहीं होंगे, ये कलर नहीं दिखता हमको। कलर क्या दिखता है, हमको कलर दिखता है बस कि ये जो हमारा व्हाइट लाइट है, जो हमारा व्हाइट लाइट है, हमारे व्हाइट लाइट ही इस पे केवल पड़ रहे होते हैं, ठीक, हमारे जो लाइट ये दिखते हैं सनलाइट यही पड़ रहे होते हैं। लेकिन जो बाहर की ओर कलर दिखता है वो हमारा कुछ ऐसा कलर, मतलब इसमें सेवन कलर या फिर कई कलर के दिखाई देते हैं, ठीक, आपके कई कलर बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रिज्म था वो क्या कर रहा था, प्रिज्म स्पेशली जो लाइट आ रहा था सारी को फिल्ट्रेट कर रहा था। वैसे हमारा फिल्टर होता है कि वो लाइट के अलग अलग पार्ट्स को फिल्ट्रेट करता है, या फिर जो ये एरो है कई जगह लाइट की किरणें दिखा रही हैं, रे दिखा रही है, सारे को एक जगह कर देगा और ये आपस में कलर एक जगह। हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इसको। हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या किया, हमने सपोज यहाँ पे कोई एक स्पेशल फिल्टर बना दिया। उसके बाद फिल्टर जैसे हमारा बन गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन सेल था, एब्जॉर्प्शन सेल को यहाँ पे रख दिया, ठीक, और इसमें जो भी सोल्यूशन था हमारा वो सोल्यूशन को भर लिया गया। सपोज मेरे पास सोल्यूशन तो भर लिया गया, अब क्या है, अब लाइट आई, किस कहां तक आई लाइट, ये सारे लाइट आए इस फिल्टर के पास, ठीक, जो था वो सारे इस फिल्टर के पास आए। ये मोनोलाइट था, इनके बारे में कि ऐसे लाइट आ रही हैं, ठीक, ये लाइट ने क्या किया, कई कलर मान लो, सपोज डाई को बना लेते हैं, ऐसे कई कलर आए, ठीक, इसमें एक्स्ट्रा और कलर डाल देते हैं हम, ये कलर आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे कलर को एक, ठीक, सारे कलर को एक साथ इन्होंने ले लिया। एक साथ का मतलब कि ये कुछ ऐसे कलर को दिखा दिया कि कुछ कलर इतना दूर दिखाई देंगे, ठीक, उसके बाद जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो उसके बेस पे रहेगा, ठीक, ऐसा दिखा दिया गया। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखा दिया गया, ठीक, और था, ठीक, ऐसा। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे लाइट इस तरह सोल्यूशन में घुसेंगी, ठीक, यहां तक आएंगी। उसके बाद ये जो था मेरा, ये भी एक्सीडेंट होगा इसमें भी, तो सारे इसमें आएंगी, ठीक, और हमारा ये भी लाइट क्या करेगा, इसमें आएगा। उसके बाद ये लाइट हल्का सा जो भी सोल्यूशन का कलर होगा, सपोज मेरे पास यही सोल्यूशन कलर है, ये तो इसी में रह जाएगा, ये तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाकी जो लाइटेड हैं, बाकी जो लाइट है वो हमारे क्या करेंगी, बाहर की ओर हल्का कलर में डाउन होके और बाकी कलर पूरा बाहर की ओर निकल जाएगा। तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो लाइट थी,
जो लाइट था, बाकी ये जो कलर है वो कलर कहाँ जाएगा? सपोज मैं नीचे से देख रहा हूँ, तो ये हमारा कलर यहाँ पे कहीं हमको दिखना चाहिए, यहाँ पे सपोज मेरी आंखें हैं, ये कलर हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रहे सिस्टम, ये जो कलर है ये कलर आंशिक रूप से इधर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी बताएगा ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इस सिद्धांत पे कैलोरीमीटर हमारा काम करेगा। अब बात रहा काम करने के आगे, तो देखो अब बात करते हैं ऑप्टिकल की बात, कि ऑप्टिकल घनत्व कैसे निकालेंगे इसका, कि ऑप्टिकल घनत्व के लिए हमको क्या चाहिए। तो ऑप्टिकल घनत्व देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रंगीन अणुओं की सांद्रता, आपका जो रंगीन मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रोमिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस कैमेट सेल में भरे थे, इसकी बात करेगा। तो बोल रहा है कि सिंपल सा कि फिल्टर का चयन अवशोषण के रंग के अधिकतम संचयन करने के आधार पर किया जाता है, यानी फिल्टर कैसा प्रयोग करना है, ये जिस मॉलिक्यूल्स जैसा मॉलिक्यूल्स रहेगा हमारे इस एब्जॉर्प्शन सेल में, हम उन्हीं के बेस पे करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ज्ञात प्रकाश दर्ग, मतलब जो हमारा वेवलेंथ वाले मोनोक्रोमिक लाइट द्वारा प्रतिदीप्त करने वाले सॉल्यूशन के ऑप्टिकल घनत्व रंगीन अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होगा। मतलब कि जो हमारा ज्ञात, यदि हमको पता है कि येलो लाइट है ग्रीन लाइट है, तो सबकी जो रे है येलो रे है, तो सबकी लाइट की जो वो होगी वेवलेंथ होगी, सबकी वेवलेंथ की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य मतलब वेवलेंथ क्षमता होगी, जिसका जितना पावर होगा उसके हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन सेल को रखेंगे और उनके अणुओं का जो सांद्रता के समानुपाती होगा। इसका अर्थ ये होता है कि हम ये कहेंगे कि इसका अर्थ ये होता है कि रंगीन बिलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा अवशोषण के माध्यम में, मतलब रंगीन बिलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश, ये जो हमारा प्रकाश बोल रहा है कि जो हमारा बिलयन है, कोई सॉल्यूशन मैंने लिया है, ये कितने एब्जॉर्ब करेगा, कितना मात्रा एब्जॉर्ब करना चाहिए लाइट का, ये उसके थिकनेस के लघुगणक होती है, मतलब थिकनेस के समान होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ ऑप्टिकल घनत्व की, ओडी की बात करता है, जो ओडी की बात करता है वो कहता है कि लॉग टेन यहाँ पे करेगा आई नॉट अपॉन आई, ठीक, ये होती है फॉर्मूला जो बियर लिम्बर्ट ने इसको प्रपोज किया था, कि ये क्या बेटा, इसकी बात करेंगे कि ये क्या करा है, आई नॉट लघुगणक तो आप जान ही रहे हैं, ये क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये बात करेंगे इसकी। तो ये कहता है कि सिंपल से कि ये आपका जो लॉग टेन आपका आई नॉट है अपन आई, जो आई है आई नॉट, वो कहता है इंसिडेंट, मतलब सिंपल से कहेंगे कि इंसिडेंट लाइट मतलब कि जो उधर से लाइट आ रही थी, जो लाइट उधर से आ रही थी उसके बाद, इंसिडेंट मतलब जो घटना के दौरान या घटना से पहले लाइट आ रही थी, उसके बाद आई कब होता है ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब ये जो हमारा इसका मान यदि हम लिखना चाहेंगे तो ये जो हमारा ये सब लाइट थी ये क्या थी, आई था, लेकिन ये जो लाइट है वो कैसा है, या फिर ये जो लाइट है वो कैसा है, ये लाइट हमारा है आई, ठीक, ये हमारे आई, ठीक। उसके बाद यही ने इनको और इनके अनुपात को इन्होंने बताया कि आपके लिम्बर्ट बियर ने कि सारे के सारे जो थिकनेस होगा किसी पदार्थ या किसी सॉल्यूशन का जो थिकनेस होगा उसके थिकनेस पर निर्भर करेगा कि ये सॉल्यूशन या ये एब्जॉर्प्शन सेल किस मात्रा में, ये एब्जॉर्प्शन सेल किस मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसके अनुपात को हम निकाल लेंगे, जो भी अनुपात आएगा सारे जो आंसर आएंगे हमको पता हो जाएगा कितना परसेंट मैंने लाइट दिया और कितना परसेंट ये लाइट लेना चाहता था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।